हेलो एवरीवन इट्स मी कुमार सोनल एंड वेलकम बैक टू ब्लॉक बर्ड्स आज हम लोग फिर से सब्जी बाजार किए लेकिन हम लोग नहीं ये दीदा नाना जी इन लोगों ने किया असल में बात ये है ना कि डैडी का प्रभाव ऐसा है ना कि आज दिन तक कोई अभाव नहीं है ये देखिए इनफैक्ट अभी पहले हम लोग जितना सब्जी लाया करते थे उससे ऑलमोस्ट चार गुना सब्जी अभी है इस तरफ में भी पूरा भरा पड़ा है अभी थोड़ा किचन भी आपको दिखा देता हूँ ये देखिए यहाँ पे भी और फ्रिज को आपको अगर दिखाऊं तो हल्का सा खाली खोलता हूँ ये देखिए मतलब और जगह नहीं है बिल्कुल फ्रिज में रखने के लिए इसलिए सब्जी सब यहाँ पे रखा हुआ है वरना ये जो बास्केट है ना यहाँ पे तो वो बास्केट सब्जी रखने के लिए ही है बट वो बास्केट पूरा फुल है इसलिए सब्जी को यहाँ पे रखा गया है ये मेरे डैडी का प्रभाव है और इसी लिगेसी को मुझे आगे तक बढ़ाना है जिसके लिए हर तरफ से कोशिश जारी है और अब रिजल्ट भी दिखने लगा है उस कोशिश का धीरे धीरे करके लाइफ फिर से नॉर्मल होगा डैडी हैं हमारे साथ इसलिए लाइफ नॉर्मल ज़रूर होगा धीरे धीरे करके ख्याल पहले भी हमारा वही रखते थे अभी भी वही रखेंगे मैं तो उनको उस वक्त भी वही चीज़ बोलता था कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि आगे चल के मैं अर्न करूँगा और आप बैठो आपको अर्न करने की जरूरत नहीं है आगे चल के मैं अर्न करूँगा बट उसको क्या करना है कि क्या नहीं मतलब जो अर्न करके लाऊंगा वो चीज़ को कहाँ इन्वेस्ट करना है या फिर कहाँ खर्च करना है क्या करना है वो आप जानो वो आपका काम है यही चीज़ अभी भी होगा क्योंकि डैडी का सिर्फ शरीर नहीं है बट डैडी तो हैं आप बिलीव करो मतलब मरैकल्स में ना मैं कभी विश्वास नहीं करता था मुझे लगता था ये सब बस किताबों में होता है कोई मरैकल्स वगैरह ये सब नहीं होता बट होता है आपका मन अगर सही है और आप अंदर से अगर साफ हो तो पता है मतलब इस तरीके से होगा ना जैसे आप आपको बस बिलीव करना है कि हाँ मतलब मैं ठीक हूं तो मेरे साथ भी ठीक होगा और हाँ दिक्कतें परेशानियाँ ये सबके साथ होती हैं लाइफ में ठीक है तो वो चीज़ आपके साथ भी होंगी आप भी बचोगे नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं एकदम आराम से सब चीज़ निकलेगा लेकिन हाँ जो भी प्रॉब्लम होगा वो चीज़ आपको झेलने का या तो ताकत आ जाएगा या वो प्रॉब्लम अपने आप ही निपट गया रहेगा किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ होगा क्योंकि ये अब हमारे साथ हो रहा है बहुत सारा चीज़ ऐसा है ना जो मैंने सोचा हुआ नहीं रहता है इनफैक्ट हम लोगों ने कि ये चीज़ हो जाएगा करके लेकिन वो हो जाता है जैसे सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ गैस को ना मुझे ट्रांसफ़र कराना था तो मैं गया गैस ऑफिस वहां पे मैंने बोला कि क्या क्या चीज़ चाहिए तो उनका ऑफिसियल आवर ख़त्म हो गया था पाँच बजे तक रहता है दस से पाँच वो ख़त्म हो गया था तो अभी पाँच बजे के बाद मैं गया तो वो पहचानते तो अब हैं नहीं कहाँ से पहचानेंगे तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं आप कल आइए और उनको पता भी कैसे रहेगा कि इसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है कि क्या नहीं जो भी हो वहाँ से मैं आया अब इसके बाद अगले दिन में गया तो अब अगले दिन भी वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं अभी सर्वर डाउन है ये है वो है तो मैंने ये चीज़ कहा कि अच्छा बता तो दीजिए कि इसमें क्या लगेगा क्योंकि बोला कि मेरे पापा उनका ऐसा हो गया है तो फिर उन्होंने देखा अब वो देखते ही बोले अरे इनका ऐसा हुआ है ये तो दोस्त है मेरे फिर ये करके और इसके बाद से मतलब वो जो काम जो जनरली थोड़ा टाइम लगता है निपटने में वो काम दो ही दिन में हो गया उन्होंने इतना बढ़िया से इसके बाद ट्रीट किया ना मैं बता नहीं सकता आपको मैं मम्मी को लेके गया वहाँ पे मम्मी तो हालत में नहीं है लेकिन अब इन्हीं के नाम पे हुआ तो हम इम्प्रेशन तो इन्हीं का चाहिए ना तो उसके लिए मैं लेके गया वहाँ पे भी क्या बोलूँगा शायद तीन से चार मिनट तीन से चार मिनट लगा होगा सारा चीज़ उन्होंने करके फिर वो बोले कि देखिए दुख सभी को है लेकिन क्या किया जा सकता है इस चीज़ को और फिर मैंने थैंक्स बोला और इसके बाद हम लोग आ गए मतलब वो जो मशीन भी था ना थम इम्प्रेशन का तो मम्मी को मैं जहाँ पे बैठाया था तो वो अंकल के कहने पे वो मैनेजर हैं एक्चुअली तो उनके कहने पे वो मशीन जो लेते हैं उनके स्टाफ मतलब जो थम इम्प्रेशन लेते हैं वो खुद उस मशीन को लेकर के आए और फिर बस थम इम्प्रेशन लगाने का देर था हो गया काम पूरा और बुक उक भी सारा चीज़ बन गया एक ही दिन में निपट गया तो ये है मेरे डैडी का प्रभाव कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा मैं तो कभी ये सब काम किया भी नहीं था इससे पहले वो गैस वैस का ये सब कभी भी ये नहीं किया था पहली बार ही कर रहा हूँ लेकिन फिर भी और बाकी तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना वो बाक़ी हैं पिलर्स की तरह एकदम मैंने आपको कहा है इससे पहले भी वो वीडियो भी जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ पे टच करके देख सकते हैं सपोर्टिव वाला माहौल है हर तरफ से मेरे दीदा नाना जी मौसी मामा मामी सारे लोग मौसा जी सब मेरे बड़े भाई इनफैक्ट जो बहन है छोटी है मुझसे वो फिर बड़ी बहन तो है ही यहाँ पे सारे लोग और बाकी भी जो काम है वो सब इस तरीके से निपट रहा है कि मैं सोचा नहीं था मैं तो माथा पकड़ के बैठा था कि ये सारा काम निपटेगा का कैसे लेकिन धीरे धीरे करके सब निपट रहा है कम से कम तो ये डैडी का प्रभाव नहीं तो और क्या है क्योंकि इतना ख्याल डैडी रखा करते थे मेरा हम सभी का कि जैसे हम लोग ठीक से रहें बढ़िया से रहें खुश रहें ये सब चीज़ उनकी कमी बहुत खलती है क्योंकि जब शरीर था ना उनका तो क्या ये इस वाले बेड पे बैठे हुए रहते थे तो मैं जाके कभी लगा करता था कि और क्या चल रहा है क्या नहीं ये वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे तुम खाली देखो कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जेनरेट होगा तुम्हारा बस बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं खैर वो जैसा चाहते थे वैसा ही होगा सब चीज़ हाँ अभी तुरंत तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा वक्त लगता है इन सब चीज़ों में लेकिन फाइनली उसी चीज़ को अचीव करूँगा जैसे भी करके और हाँ एक चीज़ मुझे बड़ा ही मतलब बुरा लगता है कि कोई भी कुछ कार्ड देते हैं ना तो अब मम्मी के नाम पे आता है ये मुझे ठीक नहीं लगता कार्ड अभी भी मेरे डैडी के नाम पे आना चाहिए क्योंकि गार्जियन वही हैं मेरे डैडी तो उन्हीं के नाम पे कोई भी कार्ड उड आए तो अच्छा लगता है मुझे खैर अभी मैं वापस से लग पड़ता हूँ अपने काम में क्योंकि इस टाइम तक मैं अपने काम पे लग पड़ता था और अभी मैं आपको एक दफा वक्त भी दिखा दे रहा हूँ ये देखिए अभी साढ़े बारह बज रहा है और इस टाइम तक ना हम लोगों का खाना होता रहता था मतलब जैसे डेढ़ दो बजे तक ऐसे में खाना निपटता था कभी कभी तो तीन भी बज जाता था ऐसे तो खैर अभी मैं बैठता हूँ लैपटॉप के पास बैठूंगा थोड़ा पहले ये सब चीज एडिट उडिट करना है और इसके बाद फिर आगे का काम ये सब मन की बातें हैं जो मैं कह नहीं पाता किसी से भी क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी फैमिली की तरह है तो तो मेरे जो फैमिली है मतलब मेरे कजन्स फिर मौसा मौसी दीदा नाना जी सब लोग तो ये सब तो हैं ही मेरे साथ साथ आप लोग भी तो हो मेरे साथ तो इसलिए आपसे भी कह देता हूँ मन की बातें ये मेरी तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक दूसरे वाले वीडियो में तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग बर्ड्स और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए